गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम टू शुब मसूर ट्यूटोरियल अलीगढ़ नंबर वन कॉमर्स चैनल एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश ग्रामर सीरीज लास्ट वीडियो में हमने प्रीपोजिशंस डिस्कस किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब वर्ब इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इज कंसर्न तो so, पहले देखते हैं वर्ब की डेफिनेशन अ वर्ब इज़ अ वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। फॉर एग्जांपल, प्ले रीड्स रीड वर्क वॉचिंग इज एम आर हैव ज हैड एट्सेट्रा तो वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो क्या इंडिकेट करते हैं कि कोई एक्शन हो रहा है या फिर किसी की स्टेट ऑफ बींग उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पर कोई किस तरह से है क्या कंडीशन में है या स्टेट ऑफ बींग है मोस्ट पॉपुलरली वर्ब एक्शन डिनोट करते हैं हमारी रोज़मर्रा की जो लैंग्वेज होती है उसमें जितने भी हम एक्शन वर्ड्स यूज़ करते हैं वो वर्ब होते हैं तो वर्ब के यहाँ अभी मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स पढ़े आप देखेंगे यहाँ लिखा है रीड्स और यहाँ लिखा है रीड तो इन दोनों में क्या फ़र्क है इन दोनों में फ़र्क है टेंस का यहाँ लिखा है वॉचिंग और आप वॉच भी कह सकते हैं वो भी एक वर्ब है तो वॉच watch और वॉचिंग में क्या फ़र्क है वो भी टेंस का है टेंस यानी कि टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम वर्ब या एक्शन वर्ड्स के बारे में बात करते हैं तीन तरह के टेंसेस होते हैं पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस ये बात हम सभी को पता है जो काम हो चुका है वो पास्ट टेंस में आता है जो काम होने वाला है वो फ्यूचर टेंस में आएगा और प्रेजेंट यानी कि अभी जो काम हो रहा है या जो अभी अभी खत्म हुआ है वो आएगा प्रेजेंट टेंस में तो वर्ब जब भी हम डिस्कस करते हैं दीज थ्री प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यही डिटरमाइन करेंगे कि हम कब कौन से वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे तो अब वर्ब को एग्जाम्पल से समझते हैं जेकब वॉक्स इन द मॉर्निंग सुबह में वॉक करता है यह एक डेली रूटीन का पार्ट है एक यूजुअल एक्शन है तो इसलिए यहाँ पर वॉक्स वर्ड का इस्तेमाल हुआ है माइक इज गोइंग टू स्कूल ये एक कंडीशन ऑफ एक्शन है कि वो अभी स्कूल जा रहा है माइक की जो कंडीशन है अभी वो क्या है कि वो स्कूल जा रहा है एल्बर्ट डू वॉक एल्बर्ट को वॉक करना पसंद नहीं है ये एक निगेटिव एक्शन है नहीं है पसंद नहीं है ड like. है यहाँ पे नेगेटिव एक्शन है एना इज अ गुड गर्ल एना एक अच्छी लड़की है यहाँ पे इज यानी कि होना या है वर्ड को डिपिक करता है तो एना है क्या एक अच्छी लड़की तो ये उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है तो यहां हमने देखा कि वर्ब सिर्फ एक्शन ही नहीं स्टेट ऑफ बीइंग भी बता रहे हैं कि कोई कैसा है नेगेटिव एक्शन भी बता रहे हैं कि किसी को क्या पसंद नहीं है या कोई क्या काम नहीं करता है कंडीशन भी बता रहे हैं कि कोई अभी क्या काम कर रहा है यूजुअल एक्शन भी बताया जा रहा है कि जो काम रोज हम करते हैं या फ्रीक्वेंटली करते हैं या जो हमारे डेली रूटीन का पार्ट है तो ये सब अलग अलग वर्ब के यूजेस हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग द एक्शन वर्ड्स वर्ब डिफरेंट तरह से यूज किए जा सकते हैं और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि वर्ब सिर्फ सिंगल वर्ड्स ही नहीं होते वर्ब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर भी बनाए जा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर इज गोइंग लिखा है और वो अपने आप में एक कंप्लीट वर्ब है यहाँ पे लिखा है Does not like, पसंद नहीं है तो यहाँ पे ये तीन वर्ड से मिलके बना और ये भी एक वर्ब ही है तो ये हो गई वर्ब के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेट्स मूव अहेड और अब हम बात करेंगे कि वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि तीन टेंसेस होते हैं जो के हैं पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट जितने भी हम काम करते हैं या जो काम हमारे साथ हो रहे हैं या हमारे आस पास हो रहे हैं वो काम इन तीन टेंसेस पर डिपेंड करते हैं या तो वो काम कभी पास्ट में हुआ होगा यानी गुजरे हुए जमाने में या पिछले टाइम में या फिर वो काम होने वाला होगा फ्यूचर में या फिर वो काम अभी अभी हुआ है या अभी भी हो रहा है प्रेजेंट में तो वर्ब की जो फॉर्म है वो इन्हीं टेंसिस की वजह से डिफरेंट है एक वर्ड या एक वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड थ्री फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है एक जो उसकी बेस फॉर्म है जिसको कि हम फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं दूसरी जो उसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है यानी कि जो काम हो चुका है वो बताने के लिए जो उसकी फॉर्म है उसको कहेंगे पास्ट सिंपल और आप उसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं तीसरी है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म उसको आप थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं जब हम प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ की जाती है जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है ये बात हम आगे इस लेक्चर में देखेंगे और जब हम डिटेल में टेंसिस को डिस्कस करेंगे इन द फ्यूचर वीडियो तब ये बात आपको और बेहतर समझ में आएगी के कौन सी फॉर्म कहाँ पे यूज़ की जाती है या कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है ये किस तरह से आइडेंटिफाई करना है फिलहाल ये एक ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन है वर्ब की फॉर्म्स के बारे में जो उसकी तीन डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं पहला देखते हैं पहला वर्ड यहाँ पर है गो यानी कि जाना तो जब हम प्रेजेंट की या फ्यूचर की बात करेंगे जैसे कि आई विल गो टू द मॉल तो ये फ्यूचर की बात हो गई तो तब भी गो आएगा और जैसे अब कहा जाए कि आई शुड गो यानी अभी के लिए तो तब भी गो आएगा तो फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों में गो का यूज हुआ लेकिन जब हम बात करेंगे पास्ट की तो या तो हम वेंट का यूज करेंगे या गॉन का यूज करेंगे क्योंकि वो काम हो चुका है यानी कि जाने का जो काम है जाना एक एक्शन है एक वर्ब है वो काम कंप्लीट हो चुका है पास्ट में इसलिए हम वेंट का यूज़ करेंगे जैसे कि आई वेंट टू द मॉल यानी कि मैं मॉल गई थी गई थी यानी कि पास्ट में गई थी तो वेंट इसी तरह कुछ सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है वर्ब की जैसे कि ही हैज़ गॉन यानी कि वो जा चुका है तो ये सब डिपेंड करता है कि कौन से टेंस में बात हो रही है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं अगर पास्ट की बात है तो अलग फॉर्म होगी प्रेजेंट की बात है तो अलग फॉर्म होगी वर्ब की और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स को याद करें कि कोई वर्ड बेस फॉर्म में क्या है उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर आस्ट इन योर एग्जामिनेशन डायरेक्टली आपसे ये नहीं कहेंगे कि थर्ड फॉर्म फिल करिए या सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करिए क्वेश्चन वुड बी लाइक फिल द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपको जो सही फॉर्म लगती है वो फिल करनी है और वो आप तभी फिल कर पाएंगे जब आपको सेंटेंस के टेंस का पता लगेगा तो हम देखते हैं सेकेंड वर्ड क्या है बिगिन बिगिन यानी शुरू करना उसकी जो पास्ट वाली फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म कह लें पास सिंपल और सेकेंड फॉर्म दैट इज बिगेन एंड थर्ड फॉर्म इज बिगन थर्ड है ब्लो और उसकी सेकेंड फॉर्म है ब्लू और उसकी थर्ड फॉर्म है ब्लोन नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग जो कि बेस वर्ड है यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ब्रिंग मीन्स कुछ चीज लाना उसकी सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट है तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आप इनकाउंटर करेंगे जैसे कि आपने यहाँ देखा सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों के लिए ही सेम होते हैं नेक्स्ट वर्ड देखिए कैच ये इसकी बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म है नेक्स्ट है पास सिंपल यानी कि सेकेंड फॉर्म वो होगी कॉट और थर्ड फॉर्म भी होगी कॉट ये भी ऊपर एग्जाम्पल जो दिया है ब्रॉड उसी की तरह है इसमें भी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही रहेंगी नेक्स्ट वर्ड है लीव यानी कि जाना लीव है बेस वर्ड या फर्स्ट फॉर्म नेक्स्ट है सेकेंड फॉर्म जो कि है लेफ्ट फिर थर्ड फॉर्म वो भी लेफ्ट है अब फाइनल एग्जाम्पल यहां देखिए कट कट एक वर्ब है कट यानी काटना उसका सेकंड फॉर्म भी कट होगा और थर्ड फॉर्म भी कट होगा तो आपको इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे अगर आप इंटरनेट पे या किसी ग्रामर की बुक में सर्च करेंगे तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स को आप इनकाउंटर करेंगे जिनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है इस्पेक्टिव ऑफ द टेंसेज कोई भी टेंस हो फ्यूचर पास्ट या प्रेजेंट आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जो हर फॉर्म में सेम होते हैं तो इसके लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स बहुत सारे वर्ब एक्शन वर्ब वो आपको सर्च करने होंगे और आपको उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म याद करनी होगी इससे आपको एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करने में बहुत बेनिफिट मिलेगा तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं आई होप कि आप और भी वर्ड्स को सर्च करेंगे और उनकी डिफरेंट फॉर्म्स को याद करेंगे अब हम आते हैं वर्ब के डिविजन पे वर्ब को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है उसके क्या क्या टाइप्स या सब टाइप्स होते हैं तो वर्ब के दो मेजर कैटेगरीज हैं पहली है फाइनाइट वर्ब एंड सेकंड है नॉन फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब के पार्ट हैं प्रिंसिपल वर्ब जिसको कि हम मेन वर्ब भी कहते हैं जो कि मेन एक्शन वर्ब्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस में किसी काम के होने को बताते हैं फिर आते हैं लिंकिंग वर्ब जो कि आपस में दो वर्ड्स को यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को आपस में लिंक करते हैं यानी कि दो नाउन्स को आपस में लिंक करते हैं तो वो होते हैं लिंकिंग वर्ब फिर आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब ये हो गई फाइनाइट वर्ब की सब कैटेगरीज नाउ लेट इस डिस्कस द सब कैटेगरीज ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब फर्स्ट वन इज इंफेटिव सेकेंड इज जेरेंड

फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन प्लस थोड़ा सा कम्पेरिजन देखते हैं कि इनमें आपस में क्या डिफरेंस देशन ऑफ फाइनाइट वर्ब्स वर्ड्स दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ देंटेंस नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इट इज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस ये हो गई फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन तो अब समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब होते क्या है? Verbs वो verbs है या फिर वो एक्शन वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस के टेंस अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं अपने आप को सेंटेंस का जो टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम फाइनाइट वर्ब्स का यूज करते हैं और हम फाइनाइट वर्ब को मेन वर्ब भी कह सकते हैं ये हमारे सेंटेंस का मेन वर्ब है तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब भी हो सकते हैं और उनमें से एक क्या होगा मेन वर्ब होगा यानी कि जो मेन एक्शन बताएगा सेंटेंस का तो ये वही वर्ब होते हैं जो कि मेन वर्ब या मेन एक्शन बता रहे होते हैं सेंटेंस का और ये किस पे डिपेंड करते हैं कि कौन से टेंस की हम बात कर रहे हैं फ्यूचर में बात हो रही है फ्यूचर का एक्शन है पास्ट का एक्शन है या फिर प्रेजेंट का एक्शन है तो ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं अपने आप को और ये किस पे डिपेंड करते हैं कि एक के बारे में बात हो रही है एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है यानी कि जो सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात की जाती है वो एक है या ज्यादा है नंबर में तो ये अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए एलेक्स टू स्कूल एलेक्स स्कूल चला गया तो यहां पे देखिए वेंट जो है, वो क्या है वो सेकंड फॉर्म है गो की यानी कि पास्ट की बात हो रही है काम जो है वो हो चुका है एलेक्स स्कूल जा चुका है तो आप देखिए ऊपर हमने पढ़ा था कि ये टेंसिस पे डिपेंड करते हैं अगर यहाँ लिखा होता एलेक्स गो टू स्कूल यानी एलेक्स स्कूल जाता है एलेक्स गोज टू स्कूल तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता तो चेंज जो आता वो किसकी वजह से आता टेंस के अकॉर्डिंग आता अगर लिखा होता एलेक्स गो टू स्कूल यहाँ पे वेंट लिखा है पास्ट की बात हो रही है टेंस की वजह से वेंट का इस्तेमाल हुआ है पास्ट टेंस की वजह से सेकंड सेंटेंस देखिए रॉबर्ट प्लेज हॉकी रॉबर्ट हॉकी खेलता है यानी कि ये काम एक यूजुअल काम है जो कि अक्सर होता है यानी कि रूटीन का हिस्सा है रॉबर्ट हॉकी खेलता है तो जब हम इस तरह के काम की बात करते हैं तो हम प्ले की बजाय प्लेज का इस्तेमाल करते हैं और प्लेज भी प्रेजेंट टेंस ही है तो प्रेजेंट की बात हो रही है अगर हम यहाँ कहते हैं रॉबर्ट प्लेड हॉकी तो वो पास्ट में आ जाता यानी कि अगेन जो चेंज आता वो टेंस की वजह से आता थर्ड एग्जाम्पल देखिए ही इज प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा है इज प्लेइंग यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं अंडरलाइन किया गया है वो एक वर्ब है और इज प्लेइंग लिखा है तो मतलब कि ये काम अभी भी कंटिन्यूड है अगेन यहाँ पे ये भी हो सकता था कि ही प्लेड फॉर ऑस्ट्रेलिया तो ये काम फिर पास्ट में हुआ होता तो फिर वर्ब में टेंस के ही वजह से चेंज आता तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि फाइनाइट वर्ब अपने आप को चेंज करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग टेंस जो होगा उसी तरह से उनको यूज किया जाएगा अगर फ्यूचर टेंस है तो वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज होगी अगर पास्ट है तो दूसरी फॉर्म यूज़ होगी और अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो अलग फॉर्म यूज होगी अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं या फिर ये फाइनाइट वर्ब से किस तरह डिफरेंट होते हैं या अलग किस तरह होते हैं दे डू नॉट वर्क एज वर्ब्स यानी कि वो वर्ब की तरह काम नहीं करते दे डू नॉट एक्ट एज वर्ब्स इन द सेंटेंस रादर दे वर्क एज नाउन्स एडजेक्टिड एडवर्ब्स एटसेट्रा दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन तो यहाँ पे देखिए मेजर डिफरेंस है कि वो वर्ब की तरह काम नहीं करते और यहाँ पे फाइनाइट वर्ब वर्ब की तरह ही काम करते हैं बल्कि वो मेन वर्ब होते हैं दूसरी बात जो नॉन फाइनाइट्स में है वो ये है कि वो वर्ब की तरह काम नहीं करते तो किस तरह करते हैं नाउन की तरह एक्ट करते हैं या एडजेक्टिव की तरह करते हैं या फिर एडवर्ब्स की तरह एक्ट करते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते वो जिस तरह से होते हैं वो वैसे ही रहते हैं फॉर एग्जाम्पल एलेक्स वेंट अब्रॉड टू स्टडी अब ये देखिए यहाँ पे टू स्टडी एक वर्ब होना चाहिए लेकिन यहाँ पे वो वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रहा राधा वो एज अननाउन एक्ट कर रहा है पढ़ने के लिए वो बाहर गया वेंट यहाँ पे वर्ब है जो कि यहाँ पे मेन वर्ब है वेंट इज अ मेन वर्ब लेकिन टू स्टडी ये एक कंडीशन है या फिर एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है राधर देन वर्किंग एज अ वर्ब नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब क्रिकेट खेलना उसकी इकलौती जॉब है तो यहां पे देखिए वर्ड प्लेइंग जो कि एक वर्ब हो सकता था या एक्शन वर्ड हो सकता था ये यहां पर सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है सब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात होती है सेंटेंस में और वो नाउन भी होता है उसको हम नाउन भी कह सकते हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कोई चीज है तो यहां पर प्लेइंग क्रिकेट या क्रिकेट खेलना उसके बारे में बात हो रही है वो हमारे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट नाउन होता है तो ये यहाँ पर नाउन है तो आपने देखा कि नॉन फाइनाइट वर्ब एक्चुअली में एक्शन वर्ड्स नहीं होते वो वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते और ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब होते हैं सेंटेंस के और नॉन फाइनाइट वर्ब वो एक्ट नहीं करते वर्ब की तरह rather दे एक्ट एज adverb or और नाउन और एडजेक्टिव अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे इनका डिफरेंस और क्लियर हो जाएगा आई लाइक रीडिंग बुक्स मुझे बुक रीड करना पसंद है तो देखिए ये है लाइक like, यानी कि पसंद करना लाइक like भी एक वर्ब है और रीडिंग भी एक वर्ब है तो देखिए यहाँ पे लाइक like जो है वो चेंज हो जाएगा टेंस की वजह से जैसे कि आई लाइकड रीडिंग बुक्स यानी कि मुझे रीड करना पसंद था तो अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो जैसे ही पास्ट की बात हुई तो लाइक like जो है वो किस में चेंज हो गया वो हो गया चेंज लाइक्ड में यानी पसंद था तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहा है लेकिन इसके ऑपोजिट रीडिंग जो है वो चेंज नहीं हो रहा सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग रीडिंग प्रेजेंट टेंस में भी रीडिंग ही था और पास टेंस में भी रीडिंग ही रहेगा तो ये हो गया एक नॉन फाइनाइट वर्ब वो सेंटेंस की वजह से चेंज नहीं होगा और लाइक like हो गया क्या एक फाइनाइट वर्ब जो कि सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं और फाइनाइट वर्ब की सब कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं फाइनाइट वर्ब की पहली कैटेगरी है प्रिंसिपल वर्ब इट इज अ वर्ब दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शन इट फंक्शंस एज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस जैसे कि प्लेज प्ले प्लेड प्लेंग सिंग सेंग ट गॉन एट्सट्रा तो प्रिंसिपल वर्ब्स एग्जैक्टली सेम हैं जो कि अभी हमने फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा क्योंकि ये उसकी एक सब कैटेगरी है तो ये वर्ड्स भी अपने आप को सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और ये मेन वर्ब की तरह एक्ट करेंगे हमने अभी जब फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि वो मेन वर्ब की तरह एक्ट करते हैं यानी कि मोस्ट केसेज में और कुछ केसेस में वो हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं या फिर वो लिंकिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं जो बात हम आगे डिस्कस करेंगे लेकिन जो उसकी फर्स्ट कैटेगरी है यानी कि प्रिंसिपल वर्ब वो मेन वर्ब की तरह ही एक्ट करते हैं हमेशा और वो सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं तो यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं आप देखेंगे कि यहाँ प्लेज प्ले प्लेड प्लेइंग लिखा है मतलब सबका एक है यानी कि खेलना लेकिन वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है प्लेज यानी अगर रूटीनली कोई प्ले करता है तो वो प्लेज होगा प्ले यानी के बाद प्रेजेंट की हो रही है प्लेड यानी के पास्ट की बात हो रही है प्लेइंग यानी के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है कि खेलना जो है वो कंटिन्यूड है इसी तरह सिंग, सिंग सैंग, संग ये सब गाने के गाना गाने के अलग अलग फॉर्म्स हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऐसे ही गो गोज वेंट गॉन ये सब वर्ब के अलग अलग फॉर्म हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेंगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए ही गेव मी अ गिफ्ट उसने मुझे एक गिफ्ट दिया तो यहाँ जो वर्ड है गेव वो गिव की पास्ट फॉर्म है यानी कि पास्ट की बात हो रही है ये काम हो चुका है गिफ्ट देने का काम हो चुका है तो अगेन ये जो मेन वर्ब है वो अपने आप को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेगा जैसा टेंस होगा उस तरीके से आपको वो मेन वर्ब यूज करना पड़ेगा सेकेंड देखिए एलेक्स सेंगे सॉन्ग फॉर हिज मदर एलेक्स ने अपनी मदर के लिए गाना गाया तो सैंग जो वर्ड है वो सिंग की पास्ट फॉर्म है तो अगेन ये काम भी पास्ट में हुआ है और ये सेंटेंस का मेन वर्ब है यानी कि मेन एक्शन है गाने गाने का जो एक्शन है वो इस सेंटेंस का मेन एक्शन है तो हम उसको मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कह सकते हैं थर्ड देखिए द चाइल्ड प्लेज विद अ कार बच्चा जो है वो कार के साथ खेलता है खेलता है यानी कि वो ये काम अक्सर करता है तो ये बात प्रेजेंट की बात है प्रेजेंट में बात हो रही है इसमें पास्ट का जिक्र नहीं है पास्ट होता तो प्लेड लिखा होता तो इससे हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि जो प्रिंसिपल वर्ब हैं वो हमारे सेंटेंस के मेन वर्ब हैं और वो अपने आप को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं जो टेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं नेक्स्ट आते हैं लिंकिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू अ वर्ब और फ्रेज एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट तो लिंकिंग वर्ब जो हैं वो क्या करते हैं सब्जेक्ट को सेंटेंस के बाकी वर्ड्स या फ्रेज के साथ कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही हो सेंटेंस में तो इनका काम है कि वो सब्जेक्ट को बाकी के वर्ड्स या फ्रेज के साथ कनेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं सब्जेक्ट के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं जैसे कि बी इज एम आर वॉज व ये सब बी की फॉर्म है यानी कि है कुछ चीज है वो होता है बी जैसे कि आई एम अगर मैं अपना नाम लूं तो मैं कहूंगी आई एम हुम मैं हुमरा हूं। तो जो होने वाली बात है या जो चीज़ है तो उसके लिए इज़ या एम या आर इन सब का यूज़ होता है तो ये बी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं इज़ कब यूज़ होता है जब किसी एक इंसान के बारे में बात हो रही हो जैसे कि ही इज प्लेइंग या ही इज़ वॉकिंग एक इंसान के बारे में बात हो रही है कब यूज होता है? जब हम अपने बारे में बात करते हैं कब यूज होता है? जब हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं जैसे दे आर तो वॉज यूज, यूज, यूज होता है पास टेंस के लिए लेकिन कब जब किसी एक इंसान के बारे में बात हो रही हो जैसे कि ही वॉज प्लेइंग वो खेल रहा था तो सिर्फ एक इंसान के बारे में बात हो रही है यानी कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है वर वर कब यूज होता है वर यूज होता है जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है एक से ज्यादा होते हैं सब्जेक्ट नंबर में तो ये बी की फॉर्म है जो कि किस किस के अकॉर्डिंग चेंज होती है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं सिंगुलर है या प्लूरल है और टेंस क्या है तो इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है कि बी की फॉर्म क्या होगी आगे देखते हैं और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो लिंकिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं बिकम लुक्स सीम्स ग्रो टेस्ट अपीयर फील गेट ये सारे वर्ड्स लिंकिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं यानी कि सब्जेक्ट को बाकी वर्ड्स के साथ कनेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं सब्जेक्ट के बारे में तो इसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा कि सब्जेक्ट आएगा पहले तो क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है फिर आएगा लिंकिंग वर्ब और फिर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये दो वर्ड जो होंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जा रहा होगा वो वो आपस में इसके थ्रू कनेक्ट होंगे लिंकिंग वर्ब के थ्रू तो अब एग्जाम्पल से थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करते हैं अमन सीम्ड टायर्ड अमन थका हुआ लग रहा था तो देखिए अमन यहाँ पे सब्जेक्ट है वर्ड टायर्ड जो है वो यहाँ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है उसकी स्टेट को बता रहा है कि अमन कैसा है थका हुआ लेकिन जो वर्ड है सीम यानी कि दिख रहा था कैसा दिख रहा था टायर्ड दिख रहा था कौन अमन तो ये दो वर्ड आपस में सीम के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं इसीलिए ये एक लिंकिंग वर्ब है ये मेन वर्ब नहीं है ये एक लिंकिंग वर्ब है हिना लुक्स एक्साइटेड फॉर द ट्रिप हिना ट्रिप के लिए एक्साइटेड लग रही थी हिना यहाँ पे सब्जेक्ट होगा एक्साइटेड जो है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या फिर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी डिटेल दे रहा है तो एक्साइटेड कौन लग रही थी हिना लग रही थी और ये जो वर्ड है लुक्स यानी कि वो दिख रही थी एक्साइटेड वो एक लिंकिंग वर्ब होगा वी आर स्टूडेंट्स ऑफ ए एमयू हम ए एमयू के स्टूडेंट्स हैं तो वी हो गया सब्जेक्ट यानी कि हम क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि एक से ज्यादा तो इज नहीं आर आएगा यानी कि बी की जो फॉर्म यूज होगी वो होगी आर और स्टूडेंट्स ऑफ ए एमयू यहाँ पे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है यानी कि एक नाउन है कह सकते हैं और ये जो वर्ड्स आपस में कनेक्ट होंगे आर के थ्रू आर इन दोनों को कनेक्ट करेगा यानी कि हम हैं हम कौन हैं ए के स्टूडेंट्स हैं तो ये यहां पर एक लिंकिंग वर्ब की तरह एक्ट करेगा अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में जो है ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब दीज आर द वर्ब्स दैट आई यूज टू हेल्प द मेन वर्ब ये मेन वर्ब की मदद करते हैं टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग इन अकॉर्डेंस विद टेंस और मूड बाय बीइंग प्लेस्ड बिफोर देम ये वो वर्ड्स हैं जो कि मेन वर्ब की हेल्प करेंगे किस चीज़ में कि उनकी मीनिंग को थोड़ा और बेहतर डिफाइन कर सकें या वो मूड या टेंस कौन सा है ये बता सकें और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो हमेशा पहले आएंगे मेन वर्ब से मेन वर्ब के पहले इस्तेमाल किए जाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं उनकी दो कैटेगरीज होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मोडल ऑक्सिलरी वर्ब तो अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ऑक्सिलरी वर्ब के दो टाइप्स होते हैं तो पहला टाइप है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं बी डू और हैव तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ये टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएंगे और ये मेन वर्ब नहीं होते ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं मेन वर्ब को और डिफाइन करते हैं तो बी की जो फॉर्म है वो होती है इज एम आर वॉज वर तो इज़ का इस्तेमाल हम कब करते हैं का इस्तेमाल जब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात हो रही हो वो सिंगुलर हो जैसे कि ही इज प्लेइंग एम का इस्तेमाल कब हम करते हैं जब हम अपने बारे में बात करते हैं ये बात भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं आर का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में होता है और कब होता है जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है वॉज का इस्तेमाल कब होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और जो काम हुआ है यानी कि जो मेन वर्ब है वो पास्ट में हो चुका होता है तब वॉज का इस्तेमाल होता है वर का इस्तेमाल भी पास्ट में ही होता है लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको नोट करनी है याद रखना है कि वर कब यूज होगा वॉज कब यूज होगा डू डू की जो फॉर्म्स हैं वो है डू डज डिड डू और डज जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं डज जो है वो उस तरह के कामों के लिए यूज होता है जो आप यूजुअली करते हैं या फ्रीक्वेंटली करते हैं और डिड होता है पास्ट के लिए यूज have की तीन फॉर्म्स होती हैं have, हैज़ हैड हैव और हैज़ जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं और हैड पास्ट के लिए यूज़ होता है have का इस्तेमाल कब करते हैं जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है कभी भी हम दे नहीं कहते हमेशा दे हैव कहते हैं हैज का इस्तेमाल जब हम करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये तो हो गई सिंगुलरिटी या प्लूरल होना और दूसरी चीज है टेंस का तो ये दोनों फैक्टर डिसाइड करेंगे कि कब कहाँ पर कौन सा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा तो अब एग्जाम्पल देखते हैं आई एम रीडिंग अ बुक मैं एक बुक पढ़ रही हूँ तो इस काम का ये मतलब है कि ये काम अभी भी हो रहा है यानी कि प्रेजेंट में हो रहा है और रीडिंग जो है वो हमारा मेन वर्ब है यानी कि इस सेंटेंस का मेन एक्शन है और यहाँ पे एम जो वर्ड है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ये रीडिंग यानी मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है मैं पढ़ रही हूँ मैं अभी बुक पढ़ रही हूँ तो एम एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है शी डांस वेल वो अच्छा डांस करती है तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है और ये स्टेटेड फैक्ट है कि वो अच्छा डांस करती है यानी कि हमेशा ही करती है तो यहाँ डज का इस्तेमाल हुआ है और डांस जो है वो हमारा मेन वर्ब है मेन एक्शन है इस सेंटेंस का तो उससे पहले डज आ रहा है और वो हेल्प कर रहा है बताने में कि वो हमेशा ही अच्छा डांस करती है थर्ड एग्जाम्पल देखिए शी सीन ताजमहल ट्वाइस तो देखिए यहाँ पे मेन वर्ब है सीन यानी कि उसने देखा है ताजमहल दो बार सीन जो है वो पास्ट की बात हुई यानी कि पास्ट फॉर्म है वर्ब की और हैज एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि सीन की हेल्प कर रहा है सेंटेंस को बेटर डिफाइन करने में अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स देखते हैं इट इज यूज वर्ब टू इंडिकेट मूड और टेंसेस। तो ये मूड या फिर टेंस बताते हैं कि कोई कोई काम कर सकता है या कोई काम किसी को करना चाहिए या कोई काम किसी को नहीं करना चाहिए ये वाली जो चीजें हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के थ्रू बताई जाती हैं जैसे कि कैन could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, need, used to. तो ये जो वर्ड्स हैं ये मेन वर्ब नहीं होते ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं मेन वर्ब से पहले आते हैं जैसे कि यू कैन रन वेरी फास्ट यानी कि तुम बहुत फास्ट दौड़ सकते हो तो रन जो है वो यहाँ मेन वर्ब है लेकिन इसकी जो हेल्प कर रहा है वो होगा कैन तो ये सेंटेंस के मूड को डिफाइन कर रहा है इंडिकेट कर रहा है कि तुम तेज दौड़ सकते हो यू कैन रन वेरी फास्ट तो ये रन जो कि है मेन वर्ब उसकी फर्दर हेल्प कर रहा है आई मस्ट लीव सून मुझे जल्दी जाना चाहिए तो लीव मेन वर्ब है यानी कि जाना मस्ट यानी कि जरूर जल्दी जाना चाहिए मस्ट वो हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इट मे रेन टू नाइट आज रात बारिश हो सकती है तो रेन टू नाइट रेन जो है वो मेन वर्ब है यानी कि बारिश का होना और उसकी जो हेल्प कर रहा है बेटर डिफाइन करने में मे रेन टू नाइट वो है मे यानी कि सेंटेंस के मूड को डिफाइन कर रहा है कि आज बारिश हो सकती है अब आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे और इनकी सब कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं पहली कैटेगरी है इंफिनेटिव क्या होते हैं इन्फिनेटिव एन इंफिनेटिव इज अ वर्ब फॉर्म दैट एक्ट एज अनाउन एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन सेंटेंस तो ये वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते ये बात हमने लेक्चर के शुरू में भी डिस्कस करी थी जब हम कंपैरिजन कर रहे थे इन का और फाइनाइट्स का कि ये वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते ये होते तो वर्ब हैं वर्ब की तरह दिखेंगे एक्शन ही लगेंगे बेसिकली देखने में लेकिन ये वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते और इसी वजह से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वेदर दे आर वर्ब और नॉट सो देर दे एक्ट एज नाउन एडवर्ब और एडजेक्टिव तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पहले हम लिखेंगे टू और फिर जो भी वर्ब है उसकी बेस फॉर्म वो लिखेंगे और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे दे आर नॉट गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं आई लाइक टू स्विम मुझे स्विम करना पसंद है तो यहां पे आई एक सब्जेक्ट है लाइक like यानी पसंद है वो मेन वर्ब है टू स्विम वो इंफिनेटिव है टू स्विम वो एक नाउन है उसके बारे में बात हो रही है वो एक नाउन है एज एन ऑब्जेक्ट एड कर रहा है इन्फिनेटिव को जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म जैसे कि टू स्विम आई लाइक टू स्विम मुझे स्विम करना पसंद है तो ये वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ये काम ना हो रहा है ना हुआ था ना होगा इसमें कोई भी टेंस का यूज नहीं किया गया है ये एक स्टेटमेंट है कि मुझे पसंद है तो पसंद यानी कि लाइक वो तो एक वर्ब है और वो प्रेजेंट टेंस में है लेकिन टू स्विम एक नाउन है उसके बारे में बात की जा रही है वो एक नाउन है और इसीलिए यहां पर एक वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रहा सेकेंड एग्जाम्पल देखिए टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ चलना सेहत के लिए अच्छा होता है तो टू वॉक यानी कि चलना टू वॉक जो यहां पर है वो एक नाउन या फिर सब्जेक्ट कह सकते हैं आप उसकी तरह एक्ट कर रहा है यानी यही वो चीज है जिसके बारे में सारा डिस्कशन है वो हमारा सब्जेक्ट है तो ये वर्ब नहीं हुआ कोई एक्शन नहीं है यहाँ टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ चलना सेहत के लिए अच्छा है यहाँ पर कोई भी एक्शन डिपिक्ट नहीं किया जा रहा ना कोई चला था ना कोई चल रहा है ना कोई चलेगा एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि चलना अच्छा होता है इसलिए वो वर्ब नहीं है एक नाउन या फिर सब्जेक्ट है टू स्पीक इल ऑफ अदर्स इज बैड दूसरों के बारे में बुरा कहना अच्छी बात नहीं होती तो टू स्पीक यहां पर ये एक इंफिनेटिव है ये हमारा सब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट है तो यानी कि ये एक नाउन रहा होगा यानी कि एक नाउन है तो इसलिए ये वर्ब नहीं होगा कोई एक्शन यहाँ नहीं हो रहा ये बताया जा रहा है कि बुरा कहना दूसरों को ये गलत बात होती है तो ये एक स्टेटमेंट है यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है ना तो बुरा कहा जा रहा है ना बुरा कहा गया था और ना बुरा कहा जाएगा कोई टेंस का यहाँ यूज नहीं है यहां पर यह एक सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है बुरा कहने के बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट है यानी कि नाउन है तो हमने यहां देखा कि इंफिनेटिव ने कैसे एक्ट किया नाउन की तरह एक्ट किया और बाकी सेंटेंसेस में वो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की तरह भी एक्ट कर सकते हैं यानी कि कोई एक्शन का यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो रहा है नेक्स्ट कैटेगरी है जेरेंड जेरेंड gerund क्या होते हैं अ जेरेंड इज द वर्ड दैट इज फॉर्म्ड विद अ वर्ब बायिंग आई एन जी एंड एक्ट्स एज अ नाउन तो जेरिन वो वर्ब है जो कि आई एन जी को मिलाकर बनाए जाते हैं यानी वर्ब में जब आप आई एन जी एड कर देंगे तो वो जेरिन कहलाएंगे एंड एक्स एज अ नाउन यानी कि वो वर्ब की तरह नहीं नाउन की तरह यूज किए जाएंगे फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग स्विमिंग डांसिंग लर्निंग अब आप देखिए यहाँ पे सब वर्ड्स में आई एन जी एड किया गया है जो भी रूट वर्ड है जैसे प्ले एक वर्ब है रूट वर्ड है लेकिन आई एन जी एड कर दिया तो वो जेरेंड हो गया स्विम Swim, स्विमिंग हो गया आई एन जी एड करने के बाद डांस आई एन जी एड कर दिया डांसिंग हो गया लर्न आई एन जी एड कर दिया लर्निंग हो गया तो ये जेरेंड होते हैं इस तरह के वर्ड्स फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आई लाइक रीडिंग बुक्स मुझे बुक रीड करना पसंद है तो आई सब्जेक्ट है यानी कि आप लाइक मेन वर्ब है यानी कि पसंद है रीडिंग बुक्स एक नाउन है एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है या फिर आप कह लें ऑब्जेक्ट क्योंकि आप सब्जेक्ट हैं और आपको क्या पसंद है बुक रीड करना रीडिंग बुक्स तो यहाँ पर रीडिंग बुक्स कोई एक्शन नहीं है यानी कि टेंस से रिलेटेड नहीं है यानी कि बुक रीड करना ना प्रेजेंट की बात है ना फ्यूचर की ना पास्ट की ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि आपको बुक रीड करना पसंद है हाँ लेकिन इसमें जो मेन वर्ब है वो है लाइक like, यानी कि आपको पसंद है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज चलना एक अच्छी एक्सरसाइज है तो यहाँ पे वॉकिंग जो है वॉकिंग के बारे में बात की जा रही है यानी कि वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कौन होते हैं सब्जेक्ट होते हैं नाउन वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज इसलिए वॉकिंग यहां पर वर्ब नहीं है यहां पर वो एक सब्जेक्ट या फिर नाउन है गैम्बलिंग रूइंड लाइफ गैम्बलिंग ने उसकी लाइफ पर बात कर दी तो यहां पर वर्ब गैम्बलिंग एक जेरिड है यानी कि सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है राधा देन एक्टिंग एज अ वर्ब सब्जेक्ट है या फिर कह सकते हैं कि नाउन है क्योंकि यहाँ गैम्बलिंग के बारे में ही बात हो रही है गैम्बलिंग पर ही डिस्कशन हो रहा है तो जिस चीज के बारे में बात होती है या जिस पर डिस्कशन होता है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है यहाँ पे वर्ड रूइंड को आप वर्ब कह सकते हैं वो इस सेंटेंस का मेन वर्ब होगा तो आपने देखा कि जेरिन क्या होते हैं ऐसे वर्ड जिनको आई एन जी लगाकर बनाया जाता है और वो नाउन की तरह एक्ट करते हैं ये सब नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं इधर दे वर ऑब्जेक्ट्स और दे वर सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो दोनों ही नाउन होते हैं थर्ड कैटेगरी है पार्टिसिपल पार्टिसिपल क्या होते हैं अ अ पार्टिसिपल इज वर्ड दैट इज फ्रॉम अ वर्ब एंड एक्ट्स एज अ वर्ब एन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब तो पार्टिसिपल जो है वो वर्ब से ही मिलके बनते हैं और वो या तो वर्ब की तरह एक्ट कर सकते हैं या फिर एडजेक्टिव की तरह या फिर एडवर्ब की तरह पार्टिसिपल के थ्री टाइप्स होते हैं पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई किसी भी वर्ब की जो बेस फॉर्म होगी या रूट वर्ड होगा उसमें आई ऐड करने के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा जैसे कि हियरिंग जंपिंग सीइंग वॉकिंग दे आर डांसिंग वो डांस कर रहे हैं तो देखिए यहां पर डांसिंग जो है वो वर्ब की तरह ही एक्ट कर रहा है लेकिन हमने जो अभी पीछे जो बात कही जो हमने पिछली कैटेगरी डिस्कस की थी जहां पर आई लगाकर ही वर्ड को बनाया जा रहा था वहां पर वर्ब की तरह वो एक्ट नहीं कर रहा था लेकिन पार्टिसिपल में वो वर्ब की तरह भी एक्ट कर सकते हैं वो एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और वो एडवर्ब की तरह भी एक्ट कर सकते हैं सेकेंड एग्जाम्पल है आई सी अंग गर्ल मैंने एक रोती हुई लड़की देखी तो यहां पर जो वर्ड है क्राइंग वो यहां वर्ब की तरह नहीं बल्कि एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वो यहां गर्ल की क्वालिटी बता रहा है कि गर्ल कैसी थी रोती हुई थी और जो वर्ड है सी वो है मेन वर्ब मेन वर्ब यानी कि देखा प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है देखा सी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी यहां लिखा है दे आर डांसिंग यानी कि आर यूज हुआ है तो प्रेजेंट की बात हो रही है इसीलिए दोनों एग्जाम्पल प्रेजेंट पार्टिसिपल का पार्ट है और यहां डांसिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा था लेकिन क्राइंग एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है गर्ल की क्वालिटी बता रहा है नेक्स्ट कैटेगरी है पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल है यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है सेंटेंस में कैसे लिखते हैं इसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है क्योंकि पास्ट की बात हुई है जैसे कि ब्रोकन लॉस्ट यानी कि काम जो है वो पूरा हो चुका है पास्ट में है तो इसलिए थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा देर इज अ ब्रोकन चेयर वहां एक टूटी हुई चेयर है अब देखिए चेयर जो है वो कैसी है ब्रोकन है टूटी हुई है तो यहाँ पर वो क्या है यहाँ पर वो क्वालिटी बता रहा है वर्ड ब्रोकन यहाँ पे वो वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रहा चेयर जो कि एक नाउन है वो कैसा है टूटी हुई है यानी कि पहले ही टूट चुकी है ब्रोकन है पास्ट की बात हो रही है ब्रोकन है इसीलिए क्वालिटी बताई जा रही है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क मैंने अपना काम खत्म कर लिया फिनिश्ड वर्ड यूज हुआ है यानी के पास्ट की बात हो रही है तो यहां पर वो वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि ये काम खत्म हो चुका है यहाँ पे कोई क्वालिटी नहीं बताई जा रही यहाँ पे वो नाउन नहीं है वर्ब की तरह ही एक्ट कर रहा है और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है तो ये हुई पास्ट पार्टिसिपल की बात थर्ड कैटेगरी है परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे भी पास्ट की बात होगी इसको कैसे लिखेंगे पहले हैविंग लिखेंगे और वर्ब की तीसरी फॉर्म थर्ड फॉर्म दैट मींस पास्ट की ही बात है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है जब आप एक काम खत्म कर लेंगे और दूसरा काम शुरू हुआ है उस केस में इस तरह के वर्ड्स का यूज होगा यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगा एक काम खत्म करके जब दूसरा काम शुरू होगा जैसे कि having heard the lecture, we returned home. हमने लेक्चर सुन लिया था तो हम घर आ गए हैविंग हर्ड सुन लिया था ये काम हो चुका है क्योंकि ये काम खत्म हो गया था तो आपने क्या किया आप घर आ गए एक काम खत्म होगा दूसरा काम शुरू होगा इस तरह के वर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल का पार्ट होते हैं ये उनकी पहचान होती है वो कैसे लिखे जाते हैं प्लस वर्ब की तीसरी completed her work, she went to sleep. उसने अपना काम खत्म कर लिया था तो वो सोने चली गई यहाँ पे भी एक काम खत्म हुआ है वर्क कंप्लीट किया है तो वो सोने चली गई तो हैविंग कंप्लीटेड यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल है तो यहाँ पर वर्ब का हमारा डिस्कशन एंड होता है और अब हम अपने लेक्चर के फाइनल पार्ट की तरफ आते हैं जो कि है टुडेज वर्ड्स पहला वर्ड है आज का अबहॉरेंट अबहरेंट का मीनिंग होता है कॉजिंग इंटेंस डिस्गस्ट कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत डिस्गस्ट कर दे उसका सारा है अपॉलिंग ऑफुल कोई चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है बहुत डिस्गस्टिंग लगती है तो वो होगी अपोलिंग ऑफुल एंटोनिम है उसका अपीलिंग एक्सेप्टेबल कोई चीज़ अच्छी है एक्सेप्टेबल है तो वो उसका ऑपोजिट होगा सेकेंड वर्ड है इराडिकेट मीनिंग डिस्ट्रॉय और पुट एन एंड टू किसी चीज़ को ख़त्म कर देना किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना ख़त्म कर देना उसका मतलब होता है इसके सिनोनिम है एलिमिनेट और रिमूव एंटोनिम है इम्प्लांट या प्रोपगेट किसी चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है एज अपोज टू इरेडिगेट थर्ड वर्ड है डायलेट मीनिंग होता है टू इन लार्ज दैट मीन्स कोई चीज साइज में बड़ी हो रही है तो डायलेट जैसे कि आर्टरीज को डायलेट किया जाता है सर्टेन केमिकल्स के थ्रू या आपकी आइज डायलेट हो जाती हैं जब लाइट पड़ती है तो सैनोनिम है इनफ्लेट यानी कि कोई चीज को ब्लो अप कर देना डिस्टेंड सेम मीनिंग बड़ा कर देना एंटोनिम है शॉर्ट या कंस्ट्रिक्ट प्रोवोकेटिव इज द फोर्थ वर्ड मीनिंग कॉजिंग एंगर और स्ट्रांग रिएक्शन किसी चीज की वजह से आपको बहुत गुस्सा आ जाए या कोई स्ट्रांग रिएक्शन हो प्रोवोकेटिव वर्ड जो है वो वर्ल्ग uh, की सेंस में भी यूज किया जाता है सर्टेन प्लेसेस पे और इसका सिनोनिम है इरिटेटिंग एग्जैसपरेटिंग क्योंकि उसकी वजह से आपको गुस्सा आ सकता है एंगर शो कर सकते हैं आप और इसका इंटोनिम है सूदिंग या कोई चीज प्रॉपर है एप्स इज द फिफ्थ वर्ड इसका मीनिंग है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यानी कोई चीज़ मुश्किल से समझ में आए जैसे कि एब्स ट्रूज मैथेमेटिकल प्रॉब्लम्स यानी कि मुश्किल से समझ आने वाली मैथेमेटिकल प्रॉब्लम्स इसके सेनो है हैं ऑब्सक्योर ईसोटेरिक और एंटोनिम है क्लियर या ऑब्वियस सो आ लेक्चर फॉर टुडे एंड्स हियर आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर